शुरूते विरासत। विरासत के शुरूत कुछ शर्तें भी हैं। चलिए अगर हमने ये भी देख लिया ना दूसरी चीज कि विरासत का कोई ना कोई सबब है तो उसके साथ कुछ शर्तें भी, कुछ कंडीशन वो भी देखना जरूरी है, उसको भी कंफर्म करना जरूरी है, वरना इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो ये सब होने के बावजूद भी तकसीम नहीं होगा उनमें मान। ठीक है, तो ये शुरूत क्या है, शुरूत क्या है? पहली शर्त क्या है, वारिस मर चुका। मौतुल मुआरिस, मुआरिस की वफात हो चुकी हो। एक आदमी जिंदा है तो फिर उसका माल सिर नहीं कर सकता, वफात हो चुकी हो। वफात की चाहे हकीकी तौर पर हो या हुक्मी तौर पर, हकीकी तौर पर मतलब ये कि उसकी सांसें बंद हो गई, सबने देख लिया, यानी सबने देख लिया कि वाकई वो मर चुका है, हकीकी मानों में मर चुका है। और एक हुक्मी वफात यानी एक आदमी गुम हो गया, अच्छा खासा ऐसे मुंबई में किसी ने प्रॉपर्टी बनाई और फिर अचानक वो गुम हो गया, कि उसका कुछ पता ही नहीं, तो उसके बारे में काजी कुछ उसूलों और कुछ जवाबित तो देख के कुछ दिन इंतजार करने के बाद फैसला कर देता है कि ये मर चुका है। फिर इस फैसले के बाद उसका जो माल है ना उसके वारिसिन में तकसीम है। तो ये जो काजी का फैसला होता है कि ये मर गया, इसको हकीकी मौत नहीं कहते, हुक्मी मौत। ये गलत भी हो सकता है, हो सकता है जिंदा हो बाद में आ जाए, इसलिए हम इसको हकीकी मौत नहीं कहते, लेकिन इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो वाकई वो मर चुका है या काजी ने उसकी मौत का फैसला कर दिया, तो इन दोनों के बाद ही हम उसका माल तकसीम कर सकते। दूसरी शर्त क्या है, वारिस जिंदा हो। हाँ, वारिस जिंदा जिसको हम विरासत देने जा रहे हैं, वो शख्स हयात जिंदा, उसे बाप मर गया तो बेटे को हम देने जा रहे हैं ना उसका माल, तो वो शख्स जिंदा हो वारिस के मौत के वक्त, तकसीम विरासत के वक्त नहीं, जब ये मरा था वारिस, जिस दिन इंतकाल हुआ था उस टाइम पे वारिस जिंदा रहा। जैसे एक बाप है, आज किसी बाप का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा आज के दिन उसकी वफात के वक्त जिंदा, तभी उसको हिस्सा देंगे, और मर गया बेटा यानी उससे पहले ही मर गया, जैसे आज बाप का इंतकाल हुआ, आज से पहले उसके बेटे का इंतकाल हुआ, तो अभी उसको हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप के वफात के वो जिंदा नहीं। हाँ, बाद में ये भी फौत हो गया तो अलग मसला है, जैसे आज जो है किसी शख्स का इंतकाल हुआ और आज के एक हफ्ता बाद उसके बेटे का भी इंतकाल हुआ तो उसको देंगे हिस्सा, है ना, क्योंकि इसके वक्त यानी मुअर्रिस के वफात के वक्त वो जिंदा था, बाद में वफात हुआ यानी जिंदा होते उसका हक बन गया, अब उसको अभी मिल नहीं सका था एक हफ्ता तक, तो घर से मर गया लेकिन उसका हक तो बन चुका था। तो ये दूसरी शर्त है कि वारिस जिंदा, कब, मुअर्रिस के वफात के वक्त ये जिंदा, हकीकी तौर पर जिंदा हो या हुक्मी तौर पर, यहां भी दो शक्ल है जिंदगी, हकीकी तौर पर जिंदा, जैसे एक आदमी आप देख रहे हैं सांस ले रहा है, चल फिर रहा है, जिंदा है। और एक जिंदगी ऐसी भी होती है जिसको हम हुक्मी जिंदगी कहते हैं, जैसे कोई औरत है, अब वो अमल से, पेट से एक माह हुआ, एक माह का है अमल, उसको तो नहीं कहेंगे ना जिंदा है, है ना,
लेकिन अगर एक आदमी ने अपनी बीवी से ताल्लुक कायम किया, उसकी बीवी पेट से हुई, हमल से हुई, और एक माह के बाद ये आदमी मर गया, शौहर मर गया, है ना, तो अब उस शौहर के माल में इस बच्ची का भी हिस्सा बन गया जो अभी माँ के पेट में है और नुतफे की शक्ल में, माँ के पेट में है, नुतफे की शक्ल में है, लेकिन उसको भी हिस्सा मिलेगा। उसकी जो जिंदगी है ना, उसको हम कहते हैं हुक्मी जिंदगी। यानी हकीकत में ऐसा हम लोगों की तरह जिंदा नहीं है, लेकिन उसको जिंदा लोगों के साथ ही शुमार किया जाता है। ये जो हम कहते हैं वारिस जिंदा, उसे मुराद हकीकी तौर पर जिंदा हो, हुक्मी तौर पर जिसकी मिसाल आपके सामने रखेगी कि माँ के पेट में नुतफे की शक्ल में है, यानी माँ के पेट में बच्चा लुत्फा फेर चुका है, तो वारिस बन गया वो, बाप मर गया तो वारिस हो बन गया। ये और तीसरी शर्त क्या है, सबबे विरासत की नौबियत का इल्म। यानी ये मालूम हो कि किस तरह किस शक्ल में ये वारिस बनता है, इसका पता। यानी ये जो असबाब विरासत है ना तीन, इन तीन में से क्या है वो पता। यानी उसका इस वारिस का वारिस से जो ताल्लुक है वो किस टाइप का ताल्लुक है, उसका इल्म हो, उसका पता, उसका सबूत हो, वो मालूम है, ये तीन चीजें। तो ये शुरूते विरासत कंडीशन।